अम्मा को कितनी बार क्या प्रेस करके रखा गया कमीज, सारी खराब पड़ी है। गुड मॉर्निंग रखो। गुड मॉर्निंग अंकल। क्या बात है, स्कूल जाने की तैयारी हो रही है? हाँ जी अंकल। शाबाश, जल्दी करो, टाइम हो गया। अच्छा अंकल। माँ ये लो कमीज, जल्दी से प्रेस कर दो। लो, जब तक अपना बैग लगा लो। माँ वो फीस। हाँ अजी सुनते हैं, 250 रुपया दे दीजिए। इस बात के? रघु के स्कूल की फीस देनी है। 250 रुपए नहीं देनी हमें इतनी फीस? तो क्या स्कूल से नाम कटा ले? हाँ हाँ कटा लो, हो गई बस जितनी पढ़ाई होनी थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, रघु ने अभी सिर्फ 8 जमाती तो पास किया है। तो ठीक ही तो है ना बस, वैसे सिर्फ दुकान पे ही तो हमें बताना है, तो कौन सा डिप्टी कलेक्टर करानी हमने इससे? मतलब आगे नहीं पढ़ाएंगे इसे? देखो शिला, तुम एक बात को लेकर है ना, मेरे पीछे मत पड़ जाया करो। अब इसमें पीछे पड़ने वाली क्या बात है, स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, क्या जवाब देना है उन्हें? ठीक है, सोच के बताऊंगा। लामा कमीज हो गई? हाँ, और वो फीस कल दे देंगे। अच्छा ठीक है। मुबारक हो रंजीत। क्या हुआ जलर साहब? भाई तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मैंने तुम्हारी सजा को कम कराने के लिए जो अर्जी दी थी वो मंजूर हो गई। शुक्रिया जलर साहब। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी समझदारी का करो। नहीं सर, समझदारी नहीं आती अगर आप मुझे पढ़ना लिखना नहीं सिखाते। ऐसी बात नहीं है रंजीत, मैं जानता हूँ कि इस जेल में बहुत से कैदी हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन इतनी किताबें कौन पढ़ता है जितनी किताबें तुमने पढ़ डाली। जलर साहब हर एक किताब जो आपने मुझे लाकर दी मुझे पहले से ज्यादा समझदार बनाया है। आई नो रंजीत, आई नो वेरी वेल, मगर ज्यादातर लोगों का रवैया यह है कि कौन किताबें पढ़कर अपनी आंखें फोड़े। सर लोगों को यह कोई नहीं समझाता कि अच्छी किताबें न सिर्फ ज्ञान देती है बल्कि सोचने समझने की ताकत को आगे बढ़ाती है। एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो रंजीत। अच्छा एक बात और बताओ कि यहाँ से जाने के बाद अब क्या करने की सोची है? सर अब तो जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया है कि एक सभ्य नागरिक के साथ साथ जहां तक हो सके इस समाज को साक्षर बनाने की कोशिश करूंगा सर। गुड, वेरी गुड रंजीत, मैं तुम्हारी इस भावना की कद्र करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में कामयाबी हासिल कराए। और हाँ एक बात और, जिंदगी के मोड़ में कभी भी कहीं मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझसे बोलने में हिचकिचाना नहीं। अरे रघु खाने का डिब्बा रख लिया क्या? हाँ मां रख लिया। अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाय। रघु। हाँ जी अंकल। बेटा तुम लेट हो चुके हो। हाँ जी अंकल। आओ तुम्हें मैं कार से छोड़ देता हूँ। नहीं अंकल मैं बस में चले आऊंगा। रघु आओ मेरे साथ। अच्छा अंकल। रघु स्कूल हमेशा समय से पहुंचना चाहिए। अब नहीं लेट। समझ में नहीं आता ये रखो में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। अब ऐसी क्या बात है, पड़ोसी है, खाली बैठा था, बच्चे को देर हो रही थी, छोड़ देगा स्कूल में, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे तुझे उसके बारे में कुछ पता है, है? कि कहां से आया है, किस खानदान का है? अब मुझे क्या पता? तुझे क्या, पूरे मोहल्ले में किसी को नहीं पता। देखने में तो आदमी शरीफ लगता है। अजी लगता है तो लगने दो, पर मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे अजनबियों से मेलजोल बढ़ाने का। ला नाश्ता दे, दुकान के लिए देर हो रही है। तो करो ना नाश्ता, लो। जब देखो गुस्सा नाक पर रखा। पढ़ना लिखना आना चाहिए सबको, ये बात तो समझ आती है, मगर उसके बाद आगे ही पढ़ते जाना, इसका क्या फायदा? अरे वाह बेटे, आगे नहीं पढ़ोगे तो इंजीनियर कैसे बनोगे, डॉक्टर कैसे बनोगे? मगर मुझे तो कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना, मुझे तो दुकान पर बैठना है। बेटा दुकान में बैठने के साथ तुम्हें एक अच्छा इंसान, एक सभ्य नागरिक भी तो बनना है ना? अच्छा अंकल एक बात बताइए, अच्छा आदमी बनने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है क्या?
हाँ बेटे, ये मैंने अपने जिंदगी के लोंग के स्कूल आ गया। ओके अंकल, बाय। लो जी चाय। हाँ ध्यान से गरम। हाँ रंजीत, कहाँ जा रहा है तू? स्कूल। तेरी अम्मा ने बताया नहीं तुझे आज? नहीं, स्कूल बंद है आज। स्कूल तो खुला है लेकिन तू नहीं जाएगा वहाँ। क्यों पप्पा? क्योंकि बेटा जितनी पढ़ाई मैंने तुझसे करानी थी उतनी तू कर चुका। तो और लड़के आगे क्यों पढ़ रहे हैं पप्पा? क्योंकि उन्हें बड़े होकर पढ़ लिख कर बाबूगिरी जो करनी है। और मुझे क्या करना है पप्पा? तुझे पप्पा की दुकान पर बैठना है। तो उसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है? नहीं। ये तो मजे आ गए। अबे चुप, मजे आ गए। काम करना पड़ेगा दुकान पे काम। जा ये बस्ता अंदर रख क्या। अरे सुन तो, कहाँ जा रहा तू अंदर? स्कूल नहीं जाएगा? वहाँ जा रहा हूँ दुकान पर। दुकान पे क्या कर रहे हो जी आप? बच्चे को दुकान पे भेज रहे हो ना? वो स्कूल नहीं जाएगा। क्या करेगा स्कूल जाके? अरे क्या करेगा, अभी पढ़ेगा। बच्चा है, अपनी जिंदगी संवारेगा और क्या करेगा। देख जितना उसे पढ़ना था उतना पढ़ चुका। अब अगर तू उसे पढ़ाएगी तो पैसा खराब होगा। दुकान पे जाएगा, चार पैसे कमाएगा। हाँ। तो अच्छा रहेगा। चार पैसे के लिए तुम मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करोगे? अरे सारे बाप तुम्हारे जैसे हो ना तो ना कोई जवाहरलाल नेहरू होता, ना होती इंदिरा गांधी आज। देख मुझे नहीं बनाना किसी को जवाहरलाल या इंदिरा गांधी। और अब तू सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। जाकर रोटी ला, दुकान पर जाने की देर हो रही है। करो करो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद। अपनी तरह दुकान का लाला बनाना, मत बनने देना उसे कुछ जिंदगी में। तुमसे तो मैं भर पाई। चैन की रोटी तो खाएगा। चल बेटा सुबह सुबह दिमाग खराब करके। पापा को शायद मालूम नहीं था कि जब तक मैं दुकान के काम में उलझा रहूं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब दुकान की छुट्टी होगी तब मैं क्या करूंगा। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब दुकान दो दिन बंद थी। अरे रघु जी। अंकल कैसा रहा बेटा आज का स्कूल? वही अंकल, हमेशा की तरह बोरिंग। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना देता हूँ। वो कैसे अंकल? आओ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कहानियों की किताबें हैं। कहानी की किताबें? उन्हें पढ़ के क्या फायदा होगा? देखो बेटा, हम जो कुछ सीखते हैं जिंदगी में निजी तजुर्बे से सीखते हैं, है ना? हाँ अंकल। मगर निजी तजुर्बों की अपनी एक सीमा होती है। अगर हम सिर्फ उन तजुर्बों पर निर्भर करें तो हमारा ज्ञान भी सीमित रहेगा। इसलिए उन कहानियों के जरिए हम उन तजुर्बों को भी अपना बना लेते हैं जो उन लेखकों ने अपने जिंदगी में महसूस किए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल, आप क्या कह रहे हैं? आओ तुम पहले उन किताबों को पढ़ो, समझो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है? ठीक है, आओ बेटा।
आ गए आप? पानी दूं आपको? नहीं बस रहने। अरे कहां से आई है इतनी सारी किताबें? घबराइए नहीं, आपके पैसों से नहीं आई हैं ये। तो फिर कहां से आई हैं? उन्होंने दी हैं जो चाहते हैं कि हमारा बेटा जिंदगी में कुछ बन जाए। वो कौन? वही हमारे पड़ोसी जिन्हें आप हमेशा भला बुरा कहते रहते हैं। कौन? रंजीत जी, उन्होंने ही दी है। मैं कहता हूं फौरन वापस करा दो इन किताबों को। हाय क्यों? शीला तुम बहस मत किया करो, मुझे पता है इन किताबों में क्या लिखा होता है, और वैसे भी इन मोटी मोटी किताबों को पढ़ने से सिवाय दिमाग खराब होने के और कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं, वो शरीफ आदमी है, वो भला क्यों देगा रघु को ऐसी वैसी किताबें पढ़ने के लिए। शीला मैंने कह दिया ना एक बार कि रघु ये किताबें नहीं पढ़ेगा, और वैसे भी अब रघु के पास इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का समय है ही कहां। क्यों क्यों नहीं होगा वक्त? वैसे भी तो ये सारा दिन भटकता फिरता है। अब नहीं फिरेगा। क्यों? क्योंकि कल से मेरे साथ दुकान पर बैठेगा। और स्कूल कट जाएगा ना हम अपने आप। कमाल है, अब ये कोई रघु की उम्र है दुकान पर बैठने की? ग्राहक जा रहे हैं दुकान से लौट लौट कर, अब मेरे अकेले के बस की नहीं है सब कुछ देखना। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए बैठिए। शुक्रिया, आप बैठिए जी। माफ कीजिएगा, मैं जरा आपको परेशान कर रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कहिए जी। वो मैं 4-5 दिन से रघु को स्कूल जाते नहीं दे रहा हूँ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो आज सुबह जल्दी चला गया था। ओ अच्छा अच्छा, तो स्कूल में जल्दी बुला लिया था? नहीं नहीं, आज वो स्कूल नहीं गया, आज वो अपने पिताजी के साथ दुकान पर गया है। अच्छा अच्छा, तो स्कूल में छुट्टियां शुरू हो गई होगी। रघु अब स्कूल नहीं जाएगा, हमने उसका नाम कटा लिया है। क्या? ऐसा क्यों किया? अब ये तो उसके पिताजी से पूछिएगा। लाला खजानचंद ने ऐसा क्यों किया? मैं चलूं, मुझे कुछ काम है। मैं भी चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। और ये डब्बे ले जाओ अंदर, रखो इन्हें। 1 किलो राजमा, 1 किलो बोरियां भी रखो। एक नमकीन का पैकेट दे लाला जी। हाँ दे रहे हैं। अरे दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं। तुम ज्यादा अरे भाई मेरे 2 हाथ है ना, है? और तुम देख रहे हो कि खाली हूँ कि मैं? अरे ज्यादा व्यस्त और कहीं ले लेंगे। ठीक है, सब लेने तो जाओ। नमस्ते लाला जी। आओ रंजीत बाबू, आज आप यहाँ कैसे? लाला जी पता चला है आपने रघु का नाम स्कूल से कटवा दिया? बिल्कुल ठीक पता चला है आपको। क्यों, कोई परेशानी है क्या? देखिए रंजीत बाबू, आपसे मेरी कोई नजदीकी जान पहचान नहीं है जिससे कि मैं आपसे अपने घर के मामलों में बातचीत करूं। लाला जी आपकी बात ठीक है, मगर शायद आपको ये नहीं पता कि आपके बेटे से मेरी काफी अच्छी जान पहचान है। जानता हूं, और मैं सच बताऊं कि मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब आप मुझे पसंद नहीं करते? देखिए रंजीत बाबू, बुरा ना मानिएगा, आप हैं एक अजनबी आदमी, मैं नहीं चाहता मेरी कच्ची उम्र का बेटा अपने से एक इतनी ज्यादा उम्र वाले अजनबी आदमी से मेलजोल बढ़ाए। ठीक है, मैं रघु से नहीं मिलूंगा, पर मुझे आप ये बताइए आपने उसे स्कूल से निकलवा क्यों लिया? देखिए मैं उसका बाप हूं, ये मेरी मर्जी है कि मैं उसे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, इससे आपको क्या? मुझे तो कुछ नहीं, पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी लाला जी। भाई ये तो हद हो गई, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा गधा हूं कि मैं अपने बेटे को जानबूझ के बर्बादी की तरफ ले जा रहा हूं। अब आप चले जाइए कृपा करके। अच्छा लाला जी, मैं चलता हूं। देख भाई ये दाल की बोरी देख, हाँ 3 होंगी।
दुकान से तो बहुत जल्दी चल दिया कि मैं घर जा रहा हूं। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, मैं तो तंग आ गया अकेला कर रहा हूं। अजय, रघु का कुछ पता चला? कहां पता करूं, पोस्टर लगवा दो। तुम तो ना बस। भगवान भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, पता नहीं कहां चला गया। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, और ये सब उस रणजीत की संगत का असर है जो घर इतनी देर देर से आता है। कैसे निष्ठुर बाप हो तुम, एक तो बच्चा अभी तक घर नहीं लौटा, उसकी चिंता करने की बजाय उसके बिगड़ने बिगाड़ने की बातें लेके बैठे हो। नमस्ते लाला जी। आओ, बस तुम्हारी ही कमी थी। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं लाला जी। परेशान नहीं होंगे तो और क्या होगा, रघु अभी तक घर नहीं पहुंचा है। क्या, अरे इससे क्या कह रही है, ये सब इसी का करा धरा है। अरे ना जाने मेरे बेटे को क्या क्या पाठ पढ़ा दिया इसने। लाला जी, आप क्या समझते हैं, क्या मुझे रघु की फिक्र नहीं है? तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी रघु का बाप जिंदा है। अरे रहने दीजिए लाला जी, रहने दीजिए, बहुत हो चुका, अब सब्र नहीं होता। अब रघु के बारे में आप इतनी फिक्र करते तो इस कच्ची उम्र में उसकी पढ़ाई लिखाई बंद नहीं करा देते आप? रंजीत बकवास मत करो। अरे उसकी पढ़ाई लिखाई का रात में घर देर से आने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है लाला जी, बहुत गहरा ताल्लुक है। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है, रघु कहां जाता है, किन किन लोगों से मिलता है, इतनी देर रात वो कहां रहता है? क्या मतलब? मतलब लाला जी, वो बदमाश लड़कों के चंगुल में फंस गया है और वो गलत रास्ते की तरफ चल पड़ा है लाला जी। लेकिन तुम इतने विश्वास से ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं भी इसी रास्ते का शिकार बन चुका हूं। देखा, अरे मुझे तो इसमें पहले से ही शक था। मैं इसकी सजा काट चुका हूं लाला जी, अब शराफत की जिंदगी बसर कर रहा हूं। तू अपनी शराफत अपने पास रख, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लो, मेरा रघु आ गया। रघु, 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 ये क्या हुआ? रघु, क्या हुआ रघु तुझे? रघु, शीला, इसने शराब पी है। लाला, अभी भी वक्त है, संभाल ले अपने बेटे को, संभाल ले, नहीं तो बहुत पछताएगा, मैं कह देता हूं। आज तो मजे मजे पार्टी पार्टी, सुन तो सही तू से। छोटन, ये तूने अच्छा नहीं करा, तूने मेरे बाबा की दुकान से पैसे चुराए, मैं तुझे दोस्त समझता था। अबे गधे, दोस्ती तो निभा रहा हूँ मैं, हैं? तेरे ऊपर बाहर की देनदारी के कितने पैसे चढ़ गए थे, मेरे जुए के अड्डे के। और बात सुन, कहाँ से लाता तू इतने पैसे, है बता जरा? जब दूसरों के घरों में चोरी करते थे तब तो तुझे कुछ नहीं होता था, और जब आज तेरी दुकान में चोरी करी तो इसे कुछ होने लगा। ओ भाई, तू ही समझा इसे, मेरा तो दिमाग पका डाला इसने। और क्या, इसको इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ मैं, कंजूस बाप से पैसा निकालना भी आसान बात नहीं है, तेरी मदद ही कर रहे हैं हम। क्या कहा, कौन किसकी मदद कर रहा है, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। कौन है ये, क्या कर रहा है तू, रहने दे। रंजीत अंकल, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रंजीत अंकल? रंजीत अंकल नहीं, रंजीत दादा। क्या, रंजीत दादा? घबराओ नहीं बेटा, बेटा तुम्हारी ये मारकाट करने की उम्र नहीं है, तुम्हारे हाथ में चाकू नहीं बल्कि पेन और किताब होना चाहिए। बेटा तुम कोई गुंडा मवाली नहीं बल्कि इस सभ्य समाज के सभ्य नागरिक हो। ये बातें हमारी समझ में नहीं आती, और हम अनपढ़ों को नौकरी देगा कौन? रंजीत अंकल, भाषण देना बहुत आसान है, जाइए जाइए अपना काम कीजिए। नहीं, मुझे लगता है रंजीत अंकल ठीक कह रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। तो मर इसके साथ। और हाँ सुन, इसमें तेरा कोई हिस्सा नहीं है, चला बे। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। अरे अपनी रामायण अपने पास रख, चल। रघु, चलो बेटा, आज से तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, आओ। हाँ अंकल। देखिए आप,
आप ज्यादा परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? मैं कितनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ता हूँ और एक ही झटके में। देखिए धीरज रखिए, आपने थाने में रिपोर्ट लिखा दी है ना, पुलिस जल्दी उन्हें पकड़ लेगी। पता नहीं चोर पकड़े भी जाएंगे या नहीं। पर एक बात तो बता, तेरा वो बेटा कहाँ है? उसे कुछ पता भी है कि घर में क्या हो रहा है या अब भी नशे में कहीं पड़ा हुआ है? अब इसमें रघु को क्यों दोष दे रहे हैं आप? नहीं, उसका कोई दोष नहीं, दोष तो ये सब मेरा है कि मैंने ऐसे बेटे को पैदा किया जो बाप का सहारा बनने के बजाय उस पर बोझ बना बैठा है। कहाँ था इतनी देर तक? मैं वो दुकान में झूठ बोलता है। लाला, इसे मारने से क्या होगा? अगर मार नहीं है तो अपनी उस धारणा को मारो कि पढ़ाई लिखाई हिसाब किताब सीख लेने तक ही सीमित नहीं है। काश लाला अगर तुम ये समझ पाते कि पढ़ाई लिखाई की कोई सीमा नहीं होती। लाला, इंसान जितना शिक्षित होगा उतना ही वो सही या गलत दिशा का ज्ञान कर पाएगा। तुम ठीक कहते हो रंजीत, आज तक मैं ही अंधेरे में था, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसका एहसास मुझे हो रहा है। लाला, ये लो तुम्हारे रुपए। धन्यवाद आपका। उन चोर लड़कों को हौलत में बंद कर दिया गया है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उनके साथ तुम्हारा बेटा रघु भी शामिल है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, इसे भी ले जाओ, कर दो अंदर। हवालात की हवा खाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। लाला, तुम फिर वही गलती कर रहे हो। तुम्हारा बेटा तो गलत रास्ते की तरफ चल ही पड़ा था, लेकिन तुम उसे जेल भेजकर उसकी गलतियों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो। लाला, उसे सही दिशा की तरफ बढ़ाना ही है तो उसके ज्ञान के दरवाजे खोलो, समझे? तो अब मैं? इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा कोई चोर नहीं है, जरा रास्ते से भटक गया था। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, अब ये कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, तुम रंजीत दादा से रंजीत अंकल बन सकते हो, तो इस बच्चे को भी अच्छा इंसान बना सकते हो। अच्छा लाला, अब मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस लड़के को जेल की नहीं अच्छी शिक्षा की जरूरत है। अच्छा रंजीत सर। आओ हवलदार। यस सर। अच्छा लाला, अब मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे रघु, गुड मॉर्निंग। देखो रंजीत जी, मैं खुद रघु को लेके स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है खजानचंद, मगर इसे शाम को लेने भी जाना। क्यों? ये क्या घर का रास्ता नहीं जानता? अरे नहीं नहीं, घर का रास्ता तो ये जानता है, मगर अब इसे और बहुत से दूसरे रास्ते जो मालूम चल गए हैं। नहीं अंकल, अब आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। चलो जी, जान बची तो लाखों भाई। फिर वही गलती खजानचंद, रघु अभी घर नहीं लौटा है, इसकी शिक्षा पूरी होगी तब मंजिल मिलेगी, और शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। हाँ, ये तो है।